What's up gamers, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ क्राउन और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वो भी सर्वर में। तो आज गाइस मेरा मेन टास्क ये है कि जो अपने मेरे को आर्मर है उसको फुल नेदरराइट में कन्वर्ट करना है। ये वाले आर्मर को तुमको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो ना मामूली आर्मर्स हैं और ये सब मामूली चीज है। हाँ तो गाइस अगर मैंने आपको सबसे डेंजरस आर्मर दिखा दिया मेरा, वैसे तो मैंने उसको एक प्राइवेट जगह में छुपा के रखा है जहाँ पे मेरे दोस्त ना आ पाए, क्योंकि अगर मेरे दोस्तों के बारे में पता चल गया ना तो भाई वो सामान वो लोग चोरी कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो वाला सामान, मतलब यानी कि मेरा बंकर कहाँ पर है। तो कहीं से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि मेरा बंकर कहाँ है। मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन नहीं बता सकता, तो मेरा बंकर गाइस वहाँ पर है उस साइड। तो मैं जल्दी से ज्यादा अपने बंकर में आपको इंटरनल व्यू में दे सकता हूँ, बाहर का तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने सीक्रेट बंकर में। A few moments later. ओके गाइस, तो मैं अपने सीक्रेट बंकर में आ चुका हूँ। ये देखो गाइस मेरा सीक्रेट बंकर और ये देखो मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल वाला आर्मर। तुम क्या कर रहे हो, भाग जाओ से। गाइस मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया हुआ है, किसी भी फाइट में मैंने उसको यूज नहीं किया हुआ है। तो आज मैं इसी आर्मर को करने जा रहा हूँ नेदरराइट में कन्वर्ट, क्योंकि ये आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस इतने पावरफुल चेस्ट प्लेट है। तो मैं आपको सॉल्ट दिखाता हूँ, सॉल्ट भी सबसे ज्यादा पावरफुल। ये देखो गाइस इतनी खतरनाक सॉल्ट है मेरी, समझ रहे हो। तो मैंने गाइस नेदरराइट अर्निंग छुपा के रखा है। तो ये है मेरे नेदरराइट, सिर्फ 13 ही नेदरराइट है, ज्यादा नेदरराइट नहीं है। तो भाई मेरे पास तो गाइस जो टेबल होती है जिसमें हम लोग नेदरराइट को कन्वर्ट कर सकते हैं वाली टेबल मेरे को बल्ले बनानी पड़ेगी। तो इस टेबल का नाम मेरे को नहीं पता, शायद स्मिथिंग टेबल। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपनी स्मिथिंग टेबल और नेदरराइट तो मैंने निकाल ही लिया है। और पहले मैं अपना सामान सारा चेस्ट में रख देता हूँ संभाल के। तो गाइस जितना भी मेरे को सामान लेना है नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए वो सब ले लेता हूँ यार, बहुत ही एपिक चीज होने वाली है। ओके गाइस सारा सामान तो मेरे पास आ चुका है, अब देखो क्या होता है। पहले मैं अपना हेलमेट कन्वर्ट करूंगा, फिर चेस्ट प्लेट, फिर बूट्स। अब जो गाइस एडवांसमेंट आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एडवांसमेंट है गाइस, पूरा नेदरराइट आर्मर। भाई साहब कितना कूल लग रहा है ना गाइस। अब मैं अपना सॉल्ट भी कन्वर्ट कर लेता जल्दी से, तो लुक में बहुत अच्छा लगता है। बताओ गाइस देखो, अब तो मैं लग रहा हूँ ना पूरा प्रो नहीं। तो गाइस ये मैंने पूरा सामान अपना यहाँ पर रख दिया है। तो गाइस मैं अपने नॉर्मल वाले आर्मर से पहन लेता हूँ और जितने नेदरराइट्स बाकी है ना उसको तो मैं रख देता हूँ। शायद गाइस मैं जितने नेदरराइट्स बाकी है ना मैं अपने इस वाले आर्मर में लगा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा इतने भी स्ट्रॉन्ग आर्मर नहीं है। तो तब भी मैं लगा देता हूँ पिकैक्स सब में लगा देता हूँ। अब तो गाइस मेरे को कोई लगभग मार ही नहीं सकता, मेरे को दो आर्मर गाइस मेरे पास हो गए। ओके गाइस तो एक दो गाइस अब से मेरे पास एक ही नेदरराइट बचा हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने वाला हूँ। तो गाइस देख रहे हो मेरे पास दो आर्मर्स हो चुके हैं नेदरराइट, कितनी खतरनाक बात है। एक नहीं दो दो, ये तो नॉर्मल वाला है और जो पीछे है वो सबसे ज्यादा पावरफुल आने वाला है। और गाइस आप ये भी देख सकते हैं मेरी जो बंकर है ना इसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइब्रेरियंस होते हैं। इन लोग के पास जो मांगना है ना वो मांग लो, कितने सारे लाइब्रेरियंस है गाइस देख रहे हो, इतने सारे लाइब्रेरियंस है मेरे दोस्त मुझसे चल रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।